प्रेजेंट टीचर। हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इसका प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं पार्ट 2 का बचपन शीर्षक का प्रश्न और उत्तर। बचपन आपको पता ही है किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्णा सोबती का संस्मरण है, उसका हम क्या करेंगे, प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संस्मरण से पहला प्रश्न कहा है, तो ये संस्मरण से है ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, ये प्रश्न है। अभी प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी, ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, तुम्हें बताओ कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। इसको हम देखते हैं, उदाहरण को देखेंगे तो उत्तर हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखेंगे, इसमें क्या है उत्तर में हम लिखेंगे, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। देखिए वो कई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो हम देखेंगे क ख ग घ करके देखेंगे, तो देखेंगे क देखेंगे, क देखेंगे उत्तर है ये, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे। अब ख को देखेंगे, पहले कुल्फी होती थी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा और पैंटीज में बदल गया है। दूसरा देखेंगे, हालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक हो गया है, पेप्सी हो गया है, शीतल पेय ने ले लिया है, उसके समय में कोक नहीं लेम नेड बिमटो मिलती थी, ये तो उत्तर हो गया ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। तो देखते हैं, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, यह प्रश्न था उत्तर देखेंगे, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा, उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आग पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं कि लड़की को, यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, इसलिए नहीं था कि लड़की को दूर तक दिखाई दे, उनके भाई कहना था कि चश्मा लगाने से उसको दूर तक दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि चश्मा लगाने से वो बंदर की तरह दिखेगी, ऐसा उनका भाव नहीं था, सिर्फ चिढ़ाते थे, ये था उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो हम देखते हैं उत्तर में देखेंगे कुछ प्रमुख फलों को, उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी, उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती, इसके अतिरिक्त कुल्फी शहतूत फल से किसर भर चॉकलेट पेस्ट्री तथा फल मजे से लेकर खाती थी, कुछ प्रमुख फल जैसे काफल हो गया और चेस्टनट था, ये इसके प्रमुख फल। अब हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से है, अगला प्रश्न कहाँ से है, अनुमान और
कल्पना से है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर एक को देखते हैं। सन 1935 या 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करें। 1935 से 40 के लगभग जो लेखिका है उसका जो दिन शिमला बीता उसके बारे में लिखना है। तो हम देखते हैं उत्तर में, हम देखेंगे लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वही रेखी रोड मार्ग अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना, उतर कर माल जाना, ये सब घटनाएं सुगत थी। संध्या के समय धुंधले में गहराती पहाड़ रिज पर बढ़ती रौनक, माल के दुकानों की चमक, स्कैंडल पॉइंट से ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। तो आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण से सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। ठीक, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे इस प्रकार, इस संस्मरण में लेखिका ने दो बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। ठीक ना, अब आगे देखेंगे भाषा की बात। अब भाषा की बात से हम पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न क्या है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आइए हम उत्तर में देखते हैं। उत्तर में हम क्या करेंगे, कुछ क्रियाओं को छाटेंगे। ठीक है, कुछ क्रिया वाले शब्द को लेंगे और उनसे हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे एक तरफ क्रिया, दूसरे तरफ भाववाचक लिखेंगे। अब हम क्रिया लिखेंगे, जैसे गूंजना। गूंजना क्या है, क्रिया, जिससे हम भाववाचक क्या बनाएंगे, गूंज बनाएंगे। ठीक ना, उभार, उभार का भाववाचक क्या हो जाएगा, उभारना। दौड़ना का क्या हो जाएगा, दौड़। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई। चाल का क्या हो जाएगा, चलन हो जाएगा। गहराना का क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगी। इस प्रकार से आगे देखते हैं, खींचना, खींचना का क्या हो जाएगा, खींच हो जाएगा। ये खींच भाववाचक बन जाएगा। बदलना का, बदला, आप प्रत्यय लग जाएगा बाद में, तो क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो ये तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गया। चलिए आगे अब प्रश्न नंबर दो को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर दो क्या है, पहले हम प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। चार दिन कुछ व्यक्ति एक लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि चार कुछ और एक लीटर शब्द संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि संख्या वाचक विशेषण है। इनमें भी चार दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार एक लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न देखने के बाद तब उत्तर देखें। देखिए जो प्रश्न है इस प्रकार से है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो
सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो विशेषण के यहाँ पे शब्द है उनके भेदों के बारे में लिखना है। तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, लंगा देखेंगे तो तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब इनका हम क्या करेंगे, एक एक करके उत्तर देखेंगे, ठीक ना। अब इसका हम क्या करेंगे, उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न था, अब प्रश्न का ये उत्तर है, तो चलिए देखते हैं। गौ का देखेंगे, 2 दर्जन निश्चित संख्या वाचक विशेषण, 2 दर्जन निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ख का देखेंगे, 2 किलो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ग का देखेंगे, कुछ अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। घ का देखेंगे, सभी अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अन्ना का देखेंगे तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण, बहुत अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। और जो तीसरा है सुंदर गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कुछ करने को। अब कुछ करने को यहां से देखेंगे, यहां से प्रश्न किस प्रकार से है। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे, और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। देखिए ये प्रश्न जो है यह आपको स्वयं करना है, अपनी कल्पना से आप क्या करेंगे, एक पोशाक जो होगा उसे आप डिजाइन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 2, 3 टीम के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़े के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ, इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो, यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। तो हम देखेंगे उत्तर में भी क्या करेंगे, हम स्वयं से लिखेंगे। आप क्या करेंगे, अपने अनुसार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के उपरांत आप इसका उत्तर स्वयं देंगे, ठीक। मिलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो, संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी एकत्री करो। तो हम इसको उत्तर में लिख सकते हैं इस प्रकार से, हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मिल में मशीन के द्वारा। छात्र किसी कारखाने का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास करें कि कपड़े बनाने की क्या प्रक्रिया होती है। अगर आपको मिलता है, मौका मिलता है तो आप किसी कारखाने में जाइए और उसे देखिए, देखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें, उत्तर छात्र स्वयं करेगा। इसमें क्या करना है, जो भी उत्तर होगा उसे छात्र स्वयं देगा। तो ये तो हो गया बचपन का प्रश्न और उत्तर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।